शुरू करते हैं ना, जैसे कि आज हम बताने वाले हैं कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो कि आपको दिख रहा है डिस्प्ले के ऊपर, इस अवार्ड के बारे में बताने वाले कि ये अवार्ड है क्या और 2022 का ये अवार्ड है और फिलहाल इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसमें जो है ना करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वाट्स अप्लीकेशन फॉर, मतलब जो एनिमल डिपार्टमेंट का डेयरी वगैरह से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उन्होंने एक मतलब कि अवार्ड रखा जिसका नाम है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना और क्या क्राइटेरिया होगा तो इसमें सारा कुछ बताया दिया है। इसमें तीन तरीके का कैटेगरी दिया गया है, जैसे कैटेगरी वन यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटेगरी वन है बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनियस। इसमें है ना कि जो सबसे बेस्ट डेयरी फार्मर मतलब डेयरी जो किसान है, रेयरिंग में से हो गया पालन, इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी तरीके से अगर कोई पालन कर रहा है तो उनके लिए कह रहे हैं कि फार्मर मेंटेनिंग एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंडिजिनियस ब्रीड्स आउट ऑफ 50 ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड 70 ब्रीड्स ऑफ बफेलोज शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अवार्ड्स। इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि जैसे मतलब ऐसे जो किसान हैं जो मतलब नस्ल 50 मतलब ऐसे मवेशियों का नस्ल है जिन्होंने मतलब पालन किया और 17 ऐसे मतलब नस्ल भैंसों का जो दिया गया है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। और कैटेगरी सेकंड कह रहे हैं ना कि अगर मान लो कोई ऐसी टेक्निक्स के मुताबिक कोई मिल का फेडरेशन डेयरी से रिलेटेड जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं उन लोगों के लिए। और थर्ड जो है यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है जो सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन करके किसी मतलब डेयरी वगैरह में दे रहे हैं उनके लिए। अब चलते हैं अवार्ड्स के ऊपर कि अवार्ड्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट अवार्ड जब आपका आएगा तो 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, सेकेंड अगर आपका रैंक है तो 3 लाख रुपये दिए जाएंगे, और अगर थर्ड है तो 2 लाख रुपये अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सारा कुछ दिया जाएगा। फॉर बेनिफिशियरी एप्लीकेशन अगर भरना उड़ना है तो आप अपने जो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर है या वसुधा केंद्र पर जा कर के आप अप्लाई इस चीज़ को कर पाएंगे। इसमें यानी कि सिर्फ आप एक फॉर्म फिल करना है और आपको अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट आ गया तो 5 लाख रुपये तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इन सूचनाओं को ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम आप तक लाए थे इस वीडियो को। और चलिए हम इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कर पाएंगे, हम चलिए सीधे गूगल पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं SCS के माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन आया था, मुझे लगा कि चलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका जो मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ लिंक https://awards.gov.in। तो चलिए हम यहाँ पे आप डायरेक्ट आया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो अवार्ड यही वो वेबसाइट है यहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल मेरे पास तो ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है जिनका कि अप्लाई करना है। अगर कोई आते हैं तो मतलब फिर से हम एक नए वीडियो के साथ में आएंगे और आपको पूरा जो जानकारी वो फिल करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हो पाएगा। फिलहाल अगर आप भी इस अवार्ड्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी CSA सेंटर पर जाकर के कॉन्टैक्ट करें जिससे कि आपको इस अवार्ड में हिस्सा लेने का मौका मिले।